एक ओल्ड मैन और एक यंग लड़की ये दोनों बाथरूम में फंस जाते हैं। ओल्ड मैन एक जर्नलिस्ट था और उसके इंटरव्यू ये लड़की लेना चाहती थी, पर उसके इंटेंशन कुछ अलग ही थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैड्रिड 1987 या 2011 की एक फ्रेंच मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक काइंड ऑफ हैंगआउट मूवी है, तो इसके कन्वर्सेशन को आप रिलैक्स कर कुछ खाते हुए एंजॉय कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है मिगेल, इसे एक होटल में राइट करता देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर के लिए राइट करते हैं और ये बहुत ही फेमस राइटर है। आज उसे मिलने के लिए एक लड़की आई जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है एंजेला। एंजेला आज मिगेल का इंटरव्यू लेना चाहती थी, वो भी अच्छे से राइट करना चाहती है, एक अच्छी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। मिगेल एंजेला को कुछ ऑर्डर वगैरह करने के लिए कहता है। उसने बहुत पहले एक आदमी के बारे में आर्टिकल लिखा था, उसके बारे में वो बात कर रहा था। कहता है, मैंने उसके बारे में आर्टिकल लिखा पर इसके बाद ही उसकी डेथ हो गई थी, तो हमने वो पब्लिश नहीं किया। वो और उसका पब्लिशर बहुत ही क्लोज थे। एंजेला पूछती है कि ऑफिस में सबसे तुम क्लोज थे। मिगेल कहता है, एक जगह पर अगर तुम 25 इयर्स तक काम करो तो सिर्फ एक दूसरे को मारना ही बाकी रहता है। मिगेल है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसे जो चाहिए होता है इसके बारे में बोल देता है, इस टाइप का कैरेक्टर है। एंजेला ने कोका कोला ऑर्डर किया था, इसकी एक सिप उसने उसे मांग ली। मिगेल को डॉक्टर ने कोका कोला, टोबैको, इस तरीके की चीजें खाने के लिए मना किया है, पर फिर भी वो मानता नहीं। वो एक ही टाइम पर स्मोकिंग भी करता है, कोका कोला भी पीता है और टोबैको भी खाता है। उसे लगता है कि अगर इस तरीके से उसकी डेथ हो जाए तो इसका ब्लेम ये सारी चीजों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंजेला ने अपनी राइटिंग मिगेल को दिखाने के लिए लाई हुई थी, जो मिगेल को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। वो कहता है, तुम्हारा आर्टिकल बहुत ज्यादा लॉन्ग है, अगर तुम्हें पब्लिश होना है तो ये जरा शॉर्ट होना चाहिए। एंजेला ने मिगेल की राइटिंग स्टाइल भी कॉपी की थी, तो कहता है, तुम्हारी राइटिंग स्टाइल जरा यूनिक होनी चाहिए, तुम्हारे वर्ड्स लोगों को पिंच करने चाहिए, तभी आर्टिकल परफेक्ट बनता है। राइट कैसे करना है ये कोई भी सिखा नहीं सकता, ये अंदर से आना चाहिए। यही रीजन था एंजेला ने अपने कॉलेज में राइटिंग के कोई भी लेसन लिए नहीं थे, क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता। बात करते वक्त मिगेल ने एंजेला को अपने पास बुला लिया था। मिगेल एंजेला को अपने कोट से चाबी निकालने के लिए कहता है। वो कहता है, एक मेरे पेंटर फ्रेंड की है जो वीकेंड के लिए बाहर गया हुआ है, तुम्हें कॉल करने से पहले मैंने ये चाबी उससे ले ली थी, इसके बाद मैंने मेरा लक ट्राई किया। मिगेल एंजेला को अपने साथ वहां लेकर जाना चाहता था। वो उसे कहता है, इंटरव्यू लेते वक्त हमारे बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ये वहां पर पहुंचे, मिगेल एंजेला को टी वगैरह देता है। यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स पड़ी हुई थी, तो मिगेल कहता है, पेंटिंग ये आर्ट फॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप पेंटिंग करते हो उसके बाद भी कलर्स को स्मेल कर पाते हो, फिजिकली इसे एंजॉय कर पाते हो, पर राइटिंग का उस तरीके से कुछ भी नहीं है। एंजेला ने ग्लासेस लगाए थे तो उसने वो निकाल लिया, उसके बाद उसे किस कर लेता है। इसके बाद मिगेल ने कहा कि आजकल मुझे किसिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसा एज बढ़ता गया वैसे इंटरेस्ट चला जाता है। उसने फिर उसे कपड़े निकालने के लिए कहे, उसका मानना था कि एंजेला उससे कुछ सीखने वाली है तो उसके बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए। उसे क्लियरली बोल देता है कि मुझे जो चाहिए ये मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है, इससे ज्यादा तुम और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, पर फिजिकली मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ। आजकल मैं किसी भी लड़की को सीड्यूस नहीं कर पाता, जब यंग था तब की बात अलग थी। अगर आज एंजेला के साथ उसका कुछ हुआ तो इसके बारे में वो लिखने वाला है। एंजेला को जरा अनकंफर्टेबल लगा तो यहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर में माइंड चेंज कर फिर से वो वापस आ गई। उसने अपने कपड़े निकाले, मिगेल ने अपने फ्रेंड के कलर लेकर उसके बॉडी पर वो ड्रॉ करता है। इनके बीच में अब तक फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद एंजेला शॉवर लेने के लिए चली जाती है, मिगेल भी उसके पीछे पीछे आया, उसने डोर लॉक किया, वो भी शॉवर लेता है। शॉवर लेने के बाद एंजेला ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना है, ये सब वो नहीं कर सकती। मिगेल को ये बात सुनकर बुरा लगा, पर एंजेला जब यहाँ से जा रही थी तो बाथरूम का डोर ही ओपन नहीं होता। ये डोर खराब था पर मिगेल का फ्रेंड उसे बताना भूल गया था। एंजेला इसे खोलने का बहुत ट्राई करती है, मिगेल ने भी ट्राई किया पर दोनों से खुल नहीं पाता। एंजेला बाथरूम की छोटी सी खिड़की से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर मिगेल ने उसे कहा कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, अगर हम दोनों एक साथ पकड़े गए तो तमाशा हो जाएगा, वो एक फेमस राइटर है तो स्कैंडल भी बन सकता है। मिगेल ने कहा कि मेरा फ्रेंड 2 दिन तक वापस नहीं आएगा, इतने टाइम में उसकी वाइफ पुलिस को कॉल कर देगी। एंजेला कहती कि मेरे पेरेंट्स उससे पहले ही जरा ज्यादा वरीड हो जाएंगे। ये इन दोनों के लिए प्रॉब्लम थे तो फिर से खिड़की से आवाज लगाने लग जाते हैं, पर इन्हें कोई भी सुन नहीं पा रहा था। मिगेल कहता है, हमारी सिचुएशन बहुत ही अजीब है, एक तो कॉमेडी हो सकती है या फिर ट्रेजेडी। एंजेला ने कहा कि अगर हम सेफली यहाँ से निकल गए तो एक कॉमेडी होगी, अगर मेरे पेरेंट्स को ये पता चल गया तो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाएगी। मिगेल पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। एंजेला ने कहा कि वो मिलिट्री में है, उनका नाम उसने उसे बताया तो मिगेल उन्हें जानता था। एंजेला की बड़ी सिस्टर को भी वो जानता है, उन दोनों में 17 ईयर्स का डिफरेंस है।
मिगेल कहता है कि जब वो एक्टिंग क्लास में थी तो हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो एक्चुअल में उसे लाइक करता था, पर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मिगेल बहुत ही वरीड था कि उसकी वाइफ पुलिस को बुला लेगी। उसे एक राइटर की स्टोरी याद आई। राइटर हमेशा अपनी वाइफ पर चीट करता था। एक दिन वो घर पर ही नहीं आया। उसकी वाइफ को पता था कि वो किसी और लड़की के साथ है, फिर भी उसने पुलिस को कॉल कर दिया। कहा कि टेररिस्ट लोगों ने मेरे हस्बैंड को किडनैप कर लिया है। जब वो राइटर नेक्स्ट दिन उठा तो अपने आप को उसने डायरेक्टली न्यूज पर पाया। ये सब बहुत ही फनी बन गया था। उसकी वाइफ ने उसे एक लेसन टीच करने के लिए यह सब किया था। मिगेल कहता है कि तुम्हारी डैड और सिस्टर में कभी भी बनती नहीं थी, वो हमेशा फाइट करते थे। एंजेला ने कहा कि वो अब भी करते हैं। एक्चुअली एंजेला ने अपनी सिस्टर से ही मिगेल का नंबर लिया था। मिगेल कहता है एक बार मैंने उसे बताया था कि मैं उसे लाइक करता हूँ, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसे पता चला कि हम दोनों किस सिचुएशन में हैं, तो मैं वंडर करता हूँ कि वो करेगी क्या। आजकल एंजेला की सिस्टर ये बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। एंजेला कहती है कि मेरी सिस्टर को लगता है कि तुम बहुत ही ओवररेटेड राइटर हो। मिगेल को सुनकर बुरा लगा, पर वो कहता है एक ओवररेटेड राइटर ही इसको अपना करियर बना सकता है। एंजेला पूछती है लोग क्या कहते हैं, क्या तुम्हें इससे कुछ भी फर्क पड़ता है। मिगेल पूछता है क्या अब भी तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो। मैं तुम्हें सब आंसर्स दूंगा, पर ये इंटरव्यू किस तरीके से एंड होती है इस पर ही डिपेंड करेगा। उसे टच करने वाला था, पर एंजेला उसे दूर जाकर बैठी। एंजेला कहती है तुम्हारे नॉवेल्स बहुत ही अजीब तरीके से थे, पर फिर भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। मिगेल कहता है नॉवेल लिखते हो लोग बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं, मैंने इसे प्रोफेशनली लिखा था। हर रोज मैं कुछ टारगेट रखकर इसे कंप्लीट कर ही डालता था। मिगेल एंजेला से कहता है कि फिर से ट्राई कर देखो, तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें हेल्प करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है। सुंदर लड़की देखी नहीं और हर आदमी उसे हेल्प करना चाहता है। आवाज देने के बाद भी उसे कोई भी सुन नहीं रहा था। मिगेल फिर से एंजेला के पास आ गया। उसे कहती है मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। एंजेला फिर से डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। मिगेल कहता है कि जब अब यंग होते हो तो लगता है कि इस लाइफ में कुछ पॉइंट है, वो अपनी लाइफ कुछ अलग तरीके से जी लेंगे। पर बाद में पता चलता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉइंटलेस थी, इसमें कोई भी मीनिंग नहीं था। हर एक की कोई ना कोई तो प्रायोरिटी होती है। मिगेल एंजेला से पूछता है कि आज सैटरडे है, अगर तुम घर पर होती तो क्या करती, क्या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती। एंजेला को ये सब चीजें पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बुक्स रीड करती। मिगेल को जो बुक्स पसंद है यही एंजेला ने भी पढ़ी हुई है, पर मिगेल कहता है हम दोनों के व्यूज इस पर बहुत ही अलग अलग होंगे, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक और एक रॉक बैंड में डिफरेंस होता है। मिगेल ने फिर यही टॉयलेट किया। वो कहता है प्यार के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी है, पर बाकी चीजों के बारे में कोई भी नहीं लिखता, ये लोगों को ज्यादा रेजोनेट करती है। अपने राइटिंग में इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मिगेल अब फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। वो कहता है हम दोनों ही आए, हम दोनों में एक टेंशन है, अगर हम कुछ भी नहीं करते तो टेंशन बढ़ता जाएगा। सब कुछ हो जाने के बाद शायद हम एक दूसरे को डिजायर नहीं करेंगे, पर फिर भी अट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिगेल भी अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। उसे बुरा लगता है कि वो सोच क्या रहा था, वो एक ओल्ड मैन है, कोई भी यंग लड़की उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। वो कहता है कि मेरी वाइफ को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर फिर भी कभी कभी आपको आइसोलेशन की जरूरत होती है। हम दोनों यहाँ पर इस तरीके से एक साथ है, अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ पर फिर भी लोगों को लगेगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये उसे एक ट्रेजेडी की तरह लगता है। एंजेला फिर उसके पास आ गए और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एंजेला को थोड़ी सी भूख लगी थी। इस पर मिगेल कहता है मूवीज में मुझे लोगों को कुछ ना कुछ खाते देखना अच्छा लगता है। उसने अभी अभी एक एक्शन मूवी देखी थी जो बहुत ही फास्ट थी, पर अचानक से उसमें एक आदमी का खाना खाते हुए सीन आ गया। उसे लगता है कि उस सीन में एक पीस था, एक रियलिटी थी। वो बताता है ये राइटिंग भी इसी तरीके से होती है, जिस तरीके से जो भी फैक्ट्स है हमें उस तरीके से बताने चाहिए। जितना आप रियल लिखोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा। एंजेला अपनी राइटिंग से वर्ल्ड चेंज करना चाहती थी, पर मिगेल कहता है वैसा कुछ भी नहीं होता, तुम सिर्फ लोगों के लिए अच्छा लिखने का ट्राई कर सकते हो, बाकी कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। मिगेल के व्यू से बहुत सारे निगेटिव होते हैं। वो एंजेला से हमेशा इस तरीके से बात कर रहा था कि उससे बहुत ही ज्यादा छोटी है। वो ऑलमोस्ट एंजेला को डांट रहा है इस तरीके से उससे बात कर रहा था। एंजेला को इस पर गुस्सा आ गया। वो कहती मुझे सब लोग इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, तुम सिर्फ बड़े हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मेरा आना ये तुमने चूज किया था, मैं भी तुम्हें चूज कर सकती हूँ, शायद मुझे भी कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए था इसीलिए मैं यहाँ पर आई। एंजेला का गुस्सा शांत होने के बाद मिगेल कहता है किसी को आवाज लगा कर देखो, पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था। एंजेला कहती है कि जब मैं छोटी थी तो इस तरीके से प्रिटेंड करती थी ये मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरा इंटरव्यू चल रहा है
और आईने के सामने हमेशा इसे देखती रहती थी। मिगेल कहता है लोग अपने आप को जैसे है इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए कुछ ना कुछ ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। ये बात एंजेला ने भी रियलाइज की थी और इसके बाद उसने मिरर के सामने इस तरीके से प्रिटेंड करना छोड़ दिया। सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए मिगेल कहता है क्या तुम्हें मूवी देखनी है। एंजेला पूछती कि हम कैसे देख सकते हैं। मिगेल ने फिर उसे स्टोरी बताना स्टार्ट किया। वो कहता है कि एक फैमिली थी, मदर, फादर और उनका एक बेटा था। एक दिन अचानक से बेटे ने अपने बेड से उठना बंद कर दिया। पहले तो पेरेंट्स को लगा था कि शायद स्कूल नहीं जाना चाहता, तो उसने साइकोलॉजिस्ट से उसकी बात करवाई, पर फिर भी बेटा मानने नहीं वाला था। साइकोलॉजिस्ट ने पेरेंट्स से कहा कि इस तरीके से आप प्रिटेंड कीजिए कि सब कुछ चीजें बहुत ही नॉर्मल है। बहुत दिन बीतते गए पर फिर भी वो अपने बेड से उठा ही नहीं। फादर और मदर ने फिर डिसाइड किया कि हम इसे लेकर कहीं वैकेशन पर जाएंगे या अलग अलग प्लेसेस पर घूमे। घूमते घूमते एक जगह पर मेला चल रहा था। इस मेले में अपने बेटे को बेड पर ही लेकर गए। वहां पर एक लड़की से उसने बात की, वो लड़की भी उसके पैर में पड़ गई। उनका बेटा फिर भी बेड से उठा ही नहीं। उस लड़की को बहुत बुरा लगा और वो भी फिर बेड में रहने लग गए। ये बात देखकर सारे विलेज वालों को लगा कि शायद ये बीमारी कंटेजियस हो सकती है। उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और भी थोड़े दिन बीत गए। एक रात आई जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मदर और फादर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों जंगल में गए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। जब वो वापस आए तो उनका बेटा बेड से उठकर कहीं चला गया था। उन दोनों ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिला। एंजेला पूछती है क्या इस स्टोरी की एंडिंग सैड है, मुझे तुम्हें क्यों सुना रहे हो। मिगेल उसे बताता है कि मदर ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, उसे मिला नहीं, पर इस बात से वो खुश थी। उसका बेटा इस तरीके से रह रहा था इस बात से वो तंग आ चुकी थी। उसे जो फीलिंग्स आ रही थी इस वजह से उसे गिल्टी लग रहा था। स्टोरी की तरह ही हमने आज जो भी किया ये गलत था, हमें इसके बारे में गिल्टी तो लगेगा ही, पर ये अब हो चुका है, इसके बारे में ज्यादा सोचना सही नहीं। इसके बाद अगर हम फिर से कभी मिले तो तुम मुझे इग्नोर कर दोगी। तुम्हें गिल्टी तो लगेगा पर यही करना सही होगा। इसके बाद थोड़ी देर में मिगेल को किसी का आवाज आया। उस आदमी को बुलाकर कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। थोड़ी देर में मिगेल का फ्रेंड भी वहां पर पहुंच गया। जिस तरीके से मिगेल ने कहा था कि तुम मुझे अनदेखा कर यहाँ से चली जाओगी, उसी तरीके से एंजेला यहाँ से चली गई। जाने से पहले एंजेला ने उसे कहा कि सिर्फ एक इंसिडेंट था, इसी तरीके से मैं उसे ट्रीट करूंगी, मुझे इसके बारे में कोई भी बुरा नहीं लगेगा, ये सिर्फ उसके लिए एक एक्सपीरियंस था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर हम इस तरीके की हैंगआउट मूवीज देखें तो इसमें सिर्फ कैरेक्टर को और भी ज्यादा जान लेना, उनके साथ कन्वर्सेशन एंजॉय करना, यही सिर्फ एक पॉइंट होता है। तो इसी टाइप की आज की हमारी मूवी थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।